एक बार आ जाने दो सबको, फिर बताता हूँ आगे। सिमिलर वाला पार्ट समझ आ गया ना तुम्हें? ना मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा सर आज, क्यों, क्या हो गया? वो नहीं समझ में आ रहा मुझे। और सिमेट्री ऑफ तो ठीक है, ऑन कहाँ से होती है? तो पूछो ना भाई, मैंने 3 बार बीच में बोला समझ आ रहा है तो एक जने ने पूछा तो मैं बता रहा हूँ कम से कम, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा। मैं आगे चलता जाऊंगा फायदा नहीं ना उसका। और अभी ना ऐसे भी समझ, तुमने देख मैंने लिया एक बार ना, तुम पीसी अभी तो ये तमन्ना ने कहा। ट्राई भी करना। क्या कह रहे हो ठीक है, तमन्ना अंजल? और ने क्या 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 बोला चीज, आवाज बता दिया थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है आवाज जाए? थोड़ी। मैं मैसेज डाल देता हूँ, मैसेज डाल देता। नहीं, अब साफ आ रही है, बोलो। यहाँ पे मैं एक्सट्रूड में डिफरेंस बता रहा था, अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ तो अभी ये क्या कर रहा है, जिधर की तरफ मेरी मुड़ रही है ना, इस एंगल में अंदर आई है अब, तो ये इसी एंगल में एक्सट्रूड करेगा। पर मेरे को चाहिए ऐसे ना आए, वो सीधा एक्सट्रूड कर दे नीचे की तरफ। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं बस व्यू पोर्ट पे W दबा दूंगा एक्सट्रूड करने के बाद, तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ले लेगा सीधा। जैसे फेस के नॉर्मल सीधे होते हैं बाहर की तरफ, ऐसे जैसे ये फेस है तो इसका टेढ़ा होगा, ऐसे ये फेस है तो इसका बाहर की तरफ ऐसे है, ऐसे ही एज के भी नॉर्मल इधर की तरफ वो मुड़ी है ना लास्ट टाइम, उधर की तरफ रहेंगे। अगर एक्सट्रूड मैंने एक बार मैंने अगर एज अंदर की तरफ ऐसे एक्सट्रूड कर दिया, अगर एक्सट्रूड करा मैंने, अभी तो ये सीधा कर रहा है क्योंकि सीधे ही थे मेरे नॉर्मल नीचे की तरफ, पर मैं इसे अंदर की तरफ स्केल कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। देख रहे, जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ ना मैं, फेस के नॉर्मल वैसे वैसे मुड़ते जा रहे हैं। ये नॉर्मल वाला ऑप्शन कहाँ से आ रहा है? ये फेस में जाओ, फेस में जाने के बाद भी सेलेक्ट मत करो, जरूरी नहीं है कोई चीज सेलेक्ट करो, तुम शिफ्ट राइट क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखा रहा है ना फेस नॉर्मल, ये बताया भी था मैंने तुम्हें पहले भी 10 बार बता चुका हूँ, ये रिवर्स नॉर्मल ये रहा। और यहाँ पे ऐसे ना ऑन ऑफ देखने के लिए जो होता है कि सही है कि नहीं, ये होता है टॉगल फेस नॉर्मल, इस पे जाके छोड़ दो बंद हो गए, और वापस पे जाके क्लिक करोगे तो ऑन भी हो जाएंगे। ठीक ठीक है ना, शिफ्ट राइट क्लिक, टॉगल नॉर्मल ऑन, ये टॉगल नॉर्मल ऑफ, ठीक है ना। ऑन ऑफ इस पे लिखा नहीं है पर ये दोनों चीज यही करता है, अगर ऑन है तो दिखाएगा नहीं, नहीं तो सीधा ऑफ कर दो। ऐसे ही एज में भी होता है, जैसे कि ये एज देख रहे हो, मैं इतना वो नहीं आ रहा, पर ये देख रहे हो ये हार्ड लग रही है एज, ये वाली एज कट कट लग रही है ना, पर ये वाला ऊपर का पार्ट मेरे को कट कट नहीं लग रहा, तो वो इसलिए कि क्योंकि ये एज ना मेरी हार्ड हो चुकी है। वो कैसे चेक करता हूँ मैं, एज मोड पे गया, शिफ्ट राइट क्लिक करना, यहाँ पे सॉफ्टन हार्डन आता है, यहाँ पे टॉगल आता है सॉफ्टन, ठीक सॉफ्टन एज डिसेबल, वो डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले ऑन कर दोगे तो दिखा देगा एक तरह से नॉर्मल, जैसे नॉर्मल देख रहा था ना फेस का, वैसे ये एज दिखाएगा। अब देख रहे हो इन एज में डॉट डॉट आ रहे हैं जो सॉफ्ट है, जो हार्ड है वो उनमें डॉट डॉट नहीं आएंगे, वो जैसे नॉर्मल दिखती है वो वैसी दिखेंगी, पर जो मेरी एज सॉफ्ट है ना वो डॉट डॉट दिख रही है अलग। अगर मैं अकेली एज ये हार्ड कर दूंगा ना यहाँ पे हार्ड, तो ये ऐसी नहीं दिखेगी, अलग दिखेगी इनमें, ये पूरा लूप सही जा रहा था, डॉट डॉट बीच में ये हार्ड आ गई। इसे पकड़ो, स्मूथ कर दो, और ये सॉफ्ट एंड हार्ड है ना उस पर डिपेंड करता है कि हमारा, जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ नाइफ है, तो नाइफ की ऊपर वाली एज तो हार्ड रहेगी, पर नीचे के जो कर्व वाले पार्ट थे मैंने सारे सॉफ्ट करे थे ना पकड़ के, ऐसे ही यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हार्ड रहेगा, यहाँ से ये मुड़ रही है शेप, पर
पर ये सारी एज जो है सॉफ्ट रहेंगी, तो ये कैसे सेलेक्ट करूंगा मैं, एक एज पकड़ी मैंने, उसके बाद कंट्रोल राइट क्लिक, यहाँ पे आता है एडिट रिंग आता है ना, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट बताया था, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट मत करना, एक एज पकड़ी यहाँ पे एडिट, यहाँ पे कर देना टू एज रिंग, जैसी टू एज रिंग करोगे ना उसमें जितनी भी एज होंगी लूप में वो सारी पकड़ लेगा एक बार में, एज सेलेक्ट करो कंट्रोल राइट क्लिक टू एज रिंग, और उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक सॉफ्टन एज, यहाँ पे सॉफ्टन हार्डन आ रहा है ना, सॉफ्टन हार्डन में सॉफ्टन एज कर दो, ये सारी भी सॉफ्ट हो जाएंगी, और उसके बाद ये बंद करना तो शिफ्ट राइट क्लिक सॉफ्टन एज, यहाँ पे टॉगल बंद कर दो, ये फेस डिलीट कर दो, यहाँ पे एक और एज दे दो, यहाँ पे एक और ऑप्शन बता रहा हूँ एज फ्लो, ये क्या करता है जैसे कि मेरी ये एज बिल्कुल सीधी नीचे कट गई, अगर मैं इसे डिलीट भी करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा शेप में मेरी, मैं इसे डिलीट कर दूँ तब भी सेम है क्योंकि इसमें कोई कर्वेचर नहीं है, पर ये ऑप्शन क्या करता है जैसे कि तुम्हारा कर्वेचर नहीं है शेप में और तुम्हें क्या चाहिए कोई भी दो एज है जैसे कि ये दो एज है इनके बीच में बिल्कुल सीधा सीधा फेस जा रहा है मेरा, ये एरिया सीधा है बिल्कुल, मेरे को एक कर्व में चाहिए, मैंने एक एज डाली इसके बीच में, उसके यहाँ उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा ना ये एज फ्लो बनना है, इसका देख लो जो यहाँ पे क्या कहते हैं इसे आइकन है, आइकन भी यहाँ पे थोड़ा सा कर्व में दिख रहा है, ये एज फ्लो करता ही है, एज जो होती है हमारी वो कर्व में ले आता है पूरी, जैसे यहाँ पे जाके एज फ्लो करोगे ना ये कर्व में कर देगा इसे राउंड, अगर मेरे कोई चीज जैसे मेरी कोई शेप खराब हो रही है मैं यहाँ पे जाता हूँ ये थोड़ा सा अंदर चले गया था ये थोड़ा सा बाहर चले गया था ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, यहाँ पे जाओ एज फ्लो मार दो वो ठीक कर देगा, मेरी शेप मॉडलिंग करते हैं मैं थोड़ी बहुत खराब हो गई या भी कोई भी कर्व वाला पार्ट है कोई भी शेप बना रहा हूँ पर उसमें मेरा जो एज फ्लो है वो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है या फिर वो पिंच बना रहा है थोड़े से, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तीर दबा के तो स्मूथ नहीं जा रहा, अंदर की तरफ थोड़ा बहुत डेंट बना रहा है, पर मेरे को ये डेंट नहीं चाहिए ये जो आ रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक लाइट बना रहा है क्योंकि वो एक्चुअल वो सही नहीं है कर्व, तो मैं उसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा शिफ्ट राइट क्लिक उसके बाद एज फ्लो, वो अपने आप कर्व में ले आएगा, और इन दोनों के बीच में जो पार्ट होगा ना जैसे कि ये पूरा एरिया है इन दोनों के बीच का पार्ट ये है तो वहीं पे एज को ले आएगा, एक बार को मेरी एज ऊपर होगी ना तो भी वो बीचों बीच ले आएगा उनके और वहां पे उसे फ्लो में कर देगा एज को, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर लगाई है यहाँ पे लगाई है तो यहीं पे करेगा, मैंने इतनी पास लगाई है यहाँ पे करता हूँ एज फ्लो, वो बीच वाले पार्ट में ले आएगा उसको कर्व बनाने के लिए, ये करो एक्सट्रूड अंदर की तरफ, यहाँ पे राइट क्लिक करो यहाँ पे मर्ज मर्ज टू सेंटर, कोई भी एज मेरे को बंद करनी है लास्ट में जैसे नीचे आ गया और मेरे को बंद करनी है तो बंद करने के लिए क्या करते हैं कोलैप्स करते हैं चीजों को, कोलैप्स करना मतलब सारी एजें मिला देना, जैसे ये मैंने पकड़े सारे डबल क्लिक करा पूरा एज लूप पकड़ लिया, उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे आता है मर्ज कोलैप्स, यहाँ पे जाओ मर्ज मर्ज टू सेंटर, मर्ज टू सेंटर कर देना वो बीच में बिल्कुल बीचों बीच ला के उन्हें मर्ज कर देगा सारी एजों को, उसके बाद मेरे को यहाँ पे कोई डिजाइन बनाना है तो यहाँ पे क्या मैं टूरिंग यहाँ पे डाल दिया, अब रिंग एंड स्प्लिट डालने के बाद ना ये बार बार जो रिंग आ रही है मेरी, मैं पहले भी दो तीन बार बता दिया ऑप्शन, कंट्रोल राइट क्लिक करा मैंने एडिट रिंग डाल दी तो लास्ट कमांड मैंने करी है एडिट रिंग रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है ना, तो मेरे को रिपीट करनी है तो मैं बस एज पे क्लिक करके जी दबाऊंगा एडिट रिंग एंड स्प्लिट बार बार रिपीट होगी, यहाँ देख रहे हो 3 4 अब यहाँ पे जाके ये 5 हो जाएगी हिस्ट्री में यहाँ पे लिखा हुआ है, हर जगह डाल दी मैंने, उसके बाद मैंने ये फेस पकड़ लिए सारे, साइड व्यू में जाओ 4 दबाओ ये सारे फेस पकड़ लो, ऊपर ले आओ पहले तो ऑब्जेक्ट फेस पकड़ लिए, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट मैश,
और यहाँ पे आता है डुप्लीकेट बताया था मैंने, एक्सट्रैक्ट बताया था, ये आता है एक ऑप्शन पोक। पोक क्या करता है, कोई भी एक फेस है मेरा, अब यहाँ पे मैं एक्सट्रूड करता हूँ और यहाँ कर देता हूँ मल्टी सेंटर। अब ये फेस तो ऐसे जाके हुआ है ऐसा, जो ये एजेस बनी हुई है सेंटर में, पर मेरे को चाहिए ये सारी एज एक बार में चाहिए ऐसे। वो क्यों चाहिए दिखा दूंगा, मेरे को एक बार में ये आउटपुट चाहिए हर फेस पे। अब बार बार तो मैं करूंगा नहीं ना, हर जगह एक्सट्रूड जाके और ये फिर मर्ज टू सेंटर। मैं यहाँ करता हूँ एक बार एक्सट्रूड फिर मर्ज टू सेंटर, तब जाके बनी है शेप। मेरे को एक बार में चाहिए तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सारे फेस पकड़ लूंगा, फेस सेलेक्ट, प्रोस्पेक्टिव में आ जाओ, यहाँ पे जाओ, एडिट मैश पोक, इस पर क्लिक कर दो, एक बार में सारे कनेक्ट कर देगा ऐसे। पोक करने से पहले क्या करना, यहाँ पे जाओ टू फेस की जगह, टू फेस है तो जैसे फेस से मैंने वर्टेक्स से मैंने फेस में जाना बताया था, यहाँ वर्टेक्स पकड़ी टू फेस ऐसे, यहाँ फेस से हम एज में भी जा सकते हैं और वर्टेक्स में भी जा सकते हैं वापस। कंट्रोल राइट क्लिक करो, यहाँ पर आता है टू एज, टू एज में चले जाओ, एज पकड़ ली सारी, ऊपर की छोड़ दो सर और यहाँ पे नीचे की छोड़ दो सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाओ फिर से एक सेट बना लो सेव करने के लिए, क्विक सेट, यहाँ पे इसका नाम रख दो अंडरस्कोर 02। और ये यहाँ पे ओके करता हूँ, अंदर जाके मिलता है एक ऑप्शन आ रहा है, ये एड टू शेल्फ, शेल्फ कहते हैं इसे, जिसमें ये सारी चीजें रखी हुई हैं, ये कंबाइन एक्सट्रैक्ट और जितने भी मेरे टूल हैं ये सारे एडिट ट्रीट बाय हिस्ट्री, ये जितने भी हैं। तो यहाँ पे एड टू शेल्फ करूंगा तो यहीं पे आ जाएगा ये बन के, जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ना तो मेरी एज पकड़ ले करेगा। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट, यहाँ पे एड टू शेल्फ कर दिया, मेरे को यहाँ पे जाके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाके मैं जो कर रहा था यहाँ सेलेक्ट में जाके वो ऑप्शन सीधा यहाँ पे मिल गया मेरे को, मैंने ऐड टू सेल्फ कर दिया वो, ठीक है। उसके बाद फेस, फेस पकड़ लो सारे, यहाँ कर दो पोक, एडिट मैश पोक, पोक करने के बाद इस पे क्लिक करो, ये एजेस पकड़ लेगा सारी, और यहाँ पे इसे ऑन कर लो शेडेड विद वायर फ्रेम, एज मोड पे जाओ, ये वाली एज डिलीट कर दो, पहले वो देखो ऐसी शेप दे रहा था क्वाड वाली, अब मैंने पोक कर दिया बीच में आ गए, उसके बाद मेरे को शेप ऐसी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए शेप ऐसी, किसी ने बोल दिया डायमंड बनाना है, डायमंड टाइप कुछ निकालना है इसमें, तो उसके लिए है ये। तो यहाँ पे क्लिक करो, ये मेरा सेव सिलेक्शन ऑप्शन था, सारी एज पकड़ ली अंदर की, शिफ्ट राइट क्लिक डिलीट, मेरा मैच देख रहे हो कैसे बदल गया, जो सीधे सीधे कनेक्ट थे वो ऐसे हो गए, उनके कर्व, कर्व जो मतलब एज फ्लो था वो कर्व में आ गया। अब मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे पकड़ेगा एज पूरी नीचे तक, पहले वो सीधी पकड़ रहा था। अब मैं यहाँ जाता हूँ फेस पे, सारी सेलेक्ट करो, उसके बाद एक्सट्रूड, की फेस टुगेदर, ऑफ, थिकनेस दे दो बाहर की तरफ, थोड़ा सा ऑफसेट दे दो, और यहां इसे ऑफ कर दो। कुछ ऐसी शेप बनानी है तो उसके लिए होता है, डायमंड वाली शेप बनानी है कोई, उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग लगा दो एक सर। हाँ बोलो सर, ये दोबारा करना, ये लो शुरू से करो। हेलो मनी, शुरू से बताऊं, कहां से समझ नहीं आया वहां से बताता हूँ ना, या फिर शुरू से बताऊं करना, अब बोल नहीं रहा, बता दो सर शुरू से बता दो। ठीक, नॉर्मल कौन लिया था, यहाँ तक तो पता पड़ गया ना, बस मैंने एज बढ़ा दी है उसमें। जी सर, जी सर।
है ना, इसमें तो मैं कौन ले गए क्रॉस क्रॉस बनाए थे सर उसके बाद। अच्छा उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे फेस पकड़े सारे, साइड व्यू में गया मैं और फेस पकड़ लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है फेस पकड़ लिए, अब इस प्रोस्पेक्टिव में आ गया। अब बहुत ज्यादा धीरे धीरे बता रहा हूँ, अब भी अगर बीच में कहीं समझ ना आए तो फिर से पूछ लेना एक बार। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एडिट मैच में, यहाँ पे आता है पोक, इस पे क्लिक कर दोगे ये मैच को ऐसे कनेक्ट कर देगा। पर ये सब करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, ये डिलीट कर दिया मैंने, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसके एज के ना सिलेक्शन ले लेने हैं। एज पकड़ ली मैंने सारी पोक करने से पहले ही, ठीक है पोक करने से पहले मैंने एज पकड़ ली, उसके बाद प्रोस्पेक्टिव में गया और ऊपर की एज नहीं पकड़ी मेरे को, ऊपर की डिलीट नहीं करनी और एक नीचे की डिलीट नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर ही करने हैं मेरे को। अगर ये वाली एज भी मैं पकड़ लूंगा ना तो ये भी डिलीट हो जाएगा, तो नीचे तक चले जाएंगे वो, खराब हो जाएंगे फिर। तो मैंने अंदर की एज पकड़ी, सबसे पहले उनका क्या करा मैंने एक सिलेक्शन सेट बना लिया, यहाँ पे गया क्रिएट में, क्रिएट में आता है सेट्स, सेट्स में आता है क्विक सेलेक्ट सेट, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे अपने सेट का नाम लिख दो जो भी है 03 लिख दो और यहाँ पे ओके करोगे तो अंदर जाके मिलेगा यहाँ सेलेक्ट में, यहाँ पे एड टू शेल्फ कर दोगे तो यहीं पे आ जाएगा ये। अब ऑब्जेक्ट मोड में जाके जब भी इस पे क्लिक करूंगा ये एज पकड़ लेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने शेल्फ में ऐड कर दिया यहाँ पे। और शेल्फ इसे कहते हैं जैसे पॉलीगन मॉडलिंग के ही है, स्कल्ट के ही है, रिक के ही है, इसे शेल्फ कहते हैं। जैसे किचन में नहीं होते शेल्फ बने होते हैं, उसके अंदर फिर चीजें रखी होती हैं, डब्बे रखे होते हैं, वैसे यहाँ पे एक तरह से ऑब्जेक्ट रखे हैं, उसके बाद टूल्स रखे हैं तुम्हारे सारे, उसके बाद यहाँ पे कोई सिलेक्शन सेट रखने हैं वो रख लो, कोई ऑप्शन जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे नहीं है और तुम्हें यहाँ पे लगाना है शॉर्टकट के लिए, बहुत बार यूज कर रहे हो, जैसे कि डिलीट ऑल टाइप बाय हिस्ट्री नहीं है, ये डिलीट कर देता हूँ मैं, ये सिर्फ डिलीट टाइप बाय हिस्ट्री है ये वाला ऑप्शन, पर मेरे को क्या डिलीट ऑल टाइप बाय हिस्ट्री चाहिए यहाँ पे शेल्फ में। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एडिट में, एडिट में जाके डिलीट ऑल टाइप बाय हिस्ट्री पे चले गया मैं और इस पे क्लिक करता हूँ लेफ्ट क्लिक, हिस्ट्री डिलीट करने के लिए। पर मेरे को शेल्फ में ऐड करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल और शिफ्ट दबाना कीबोर्ड में, दोनों दबाए रखना और उसके बाद मिडिल माउस से इस पे डबल, मिडिल माउस से इस पे सिर्फ क्लिक कर देना, कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखो और मिडिल माउस से क्लिक करोगे ना तो शेल्फ में आ जाएगा तुम्हारा, देखो क्लिक करते यहाँ पे आ गया ये ऑप्शन। अब ये हमेशा यहीं पे सेफ रहेगा, जब भी मेरे को डिलीट हिस्ट्री करनी होगी तो यहाँ पे जाके नहीं करना होगा, एडिट डिलीट ऑल टाइप बाय हिस्ट्री मेरा बटन बन गया उसका यहाँ पे, जब भी करनी है मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ से सारी हिस्ट्री चली गई, देख रहे क्लिक करते ही सारी हिस्ट्री चली जाएगी। अब आ जाते हैं इस पे, एज इज मैंने सेलेक्ट उसका सेट बना लिया एक, उसके बाद मैंने फेस पे गया, साइड व्यू में गया, सारे फेस पकड़े, एडिट में गया, एडिट मैश और यहाँ पे पोक, पोक करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड बाहर, उसके बाद अब एक एक